हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं हूँ अमोल और आप लोगों के लिए फिर से लेकर आ गए एक ब्रांड न्यू वीडियो। तो दोस्तों, इंतज़ार हुआ ख़त्म क्योंकि व्हाट्सएप ने लॉन्च कर दिया उसका ऑफिशियल डार्क मोड। इसके लिए आपको कोई दूसरा एप्लीकेशन डाउनलोड करने का ज़रूरत नहीं है, जो आपका व्हाट्सएप का ऑफिशियल एप्लीकेशन है उसमें ही आपको डार्क मोड मिल जाएगा। जैसे कि आप लोग अभी देख सकते हैं, मैं व्हाट्सएप का जो एप्लीकेशन है वो वहाँ पे मैं खोल कर रखा हूँ, जिसमें ये डार्क मोड ऑन है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे कि बहुत ही बेहतरीन लग रहा है दिखने में। ये पूरा डार्क तो नहीं है, इसमें आपका थोड़ा ग्रीन का शेड है, लेकिन ये दिखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि आप किस तरह से अपनी व्हाट्सएप में इसको इनेबल करेंगे, मतलब डार्क मोड को इनेबल करेंगे, और इसको इनेबल करने का फ़ायदा क्या है। और अगर आपके फ़ोन में ये वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप इस इनेबल करने का ये ऑप्शन अपने फ़ोन पर लाएंगे कैसे, ठीक है। तो बिना देर के चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अगर आप अपने ऑफिशियल व्हाट्सएप में डार्क मोड को इनेबल करेंगे तो आपका इसमें फ़ायदा क्या है। तो अगर आप नॉर्मली व्हाट्सएप को ऑन करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो व्हाइट रोशनी है, अगर आप बहुत रात तक इसमें चैटिंग करते हैं तो फिर क्या होता है, इसका रोशनी से आपको आँखों में तकलीफ होना चालू हो जाता है, ठीक है। तो आप अगर इसका डार्क मोड को इनेबल कर देंगे ना, तो क्या होगा, इसका बैटरी भी बचेगा, दिखने में भी अच्छा रहेगा, और इसमें आपका आँखों का कोई तकलीफ भी नहीं होगा, जिससे आप बहुत देर तक भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अभी दूसरी बात यह है कि आप इसको इनेबल कैसे करेंगे। तो नॉर्मली क्या करना है, आपको पहले अपने फ़ोन के व्हाट्सएप को ऑन कर लेना है। ऑन कर लेने के बाद आपको यहाँ पे आखिर में ऊपर तीन डॉट दिख रहा है, तो इसमें आपको प्रेस करना पड़ेगा। प्रेस करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन है, तो आप यहाँ पे नॉर्मली सेटिंग पे जाना पड़ेगा। तब सेकंड में ऑप्शन मिल जाएगा चैट्स, आपको चैट्स के अंदर जाना है। यहाँ पे जाते ही आप लोगों को यहाँ पे एक नया ऑप्शन मिल जाएगा आपको, थीम, जो पहले व्हाट्सएप पे नहीं था, ठीक है। तो आपको यहाँ पे प्रेस करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन लग रहा है, आपको लाइट और डार्क। तो आप अगर लाइट रखेंगे आप तो देख ही सकते हैं नॉर्मल इंटरफेस रहेगा। अगर इसको आप डार्क कर देंगे, फिर ओके कर देंगे, फिर आप देख सकते हैं इसका जो डार्क मोड है वो हो गया इनेबल, ठीक है, जो देखने में तो बहुत ही कूल है। और अगर आप एक बार इसको यूज़ करेंगे ना, तो आप इसका दीवाना हो जाएंगे, इसका फ़ैन हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी तीसरी बात क्या है, अगर आपके फ़ोन में वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना तो पड़ेगा। नॉर्मली आपको आपको क्या क्या करना करना पड़ेगा, पड़ेगा आपको चले जाना है आपके फ़ोन पे प्ले स्टोर पे, ठीक है। तो प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको जो व्हाट्सएप ऑफिशियल व्हाट्सएप है इसको कर लेना अपडेट, क्योंकि ये नॉर्मल आपको जो नया अपडेट है उसमें ही ये वाला फीचर्स दिया है। तो आपको व्हाट्सएप पे जाना है, तो व्हाट्सएप पे जाने के बाद इसको कर देना है अपडेट, ठीक है। आप अगर इसमें जाएंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपको व्हाट्सएप न्यू पे आप अगर जाएंगे तो यहाँ पे दिया रहा है कि व्हाट्सएप ने इसमें नया क्या दिया है। यहाँ पे डार्क मोड दिया है, अवेलेबल है, जो आप अपडेट करेंगे तो आपको भी मिल जाएगा। तो इसको कैसे इनेबल करेंगे, यहाँ पे भी दिया हुआ है, सेटिंग पे जाने के बाद, चैट्स में जाने के बाद, थीम पे सिलेक्ट डार्क करना है, तो आपका इसको इनेबल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपके फ़ोन में वाला ऑप्शन नहीं हो आ रहा है, नॉर्मली प्ले स्टोर पर जाइए, उसको अपडेट कीजिए और आपको ये वाला फीचर्स मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, मैं उसमें शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं, मतलब आप अगर पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसको बाजू वाला बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो लाऊँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले, क्योंकि इस तरह का वीडियो मैं मेरे चैनल में हमेशा लाता रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।